हाँ तो भाई लोग यार कैसे, उम्मीद है कि आप लोग यार बढ़िया होंगे। आप लोग की लाइफ नंबर 1 की चल रही होगी। तो देखो यार, इस वीडियो में बात करने वाले एक नई सीरीज के रिव्यू के बारे में, जिसका नाम होने वाला है दी फेम गेम। हाँ भाई, माधुरी दीक्षित की आने वाली अपकमिंग सीरीज जो फाइनली रिलीज हो गई है, और इसी के अगर रिव्यू देखने वाले क्या देखने को मिला, इसमें क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है, इन सब बातों पर करेंगे डिस्कस। पर हाँ, इस इंट्रो के बाद तो अगर आपको पहले इसके स्टार कास्ट के बारे में थोड़ा बता दूं, तो उसमें देखने को मिलने वाले हैं संजय कपूर, माधुरी दीक्षित प्लस कुछ और भी अच्छे एक्टर। फिर अब बात निकल के आती है सीरीज की स्टोरी कैसी है, क्या है स्टोरी। तो इसकी स्टोरी यार फोकस करती है इंडिया के एक बेस्ट एक्टर्स पे, जो एक दिन यार एकदम से गायब हो जाती है। और जब उसकी जांच चालू होती है तो कई सारे रहस्य निकल के आते हैं, कई सारी बातें निकल के आती हैं उसकी फैमिली की तरफ से और बाकी सब जगहों से। अब आपको अगर पूरी तरीके से जानना है स्टोरी को, तब तो आपको सीरीज को देखना पड़ेगा। पर हाँ, अगर जाने के बारे में सोच रहे हो, देखने के बारे में सोच रहे हो, तो वीडियो में यार 2 मिनट रुक जाओ, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि इसको देखने आना चाहिए नहीं जाना चाहिए, स्क्रीन प्ले कैसा है, बैकग्राउंड स्कोर कैसा है सीरीज का, और एक्टिंग कैसी देखने को मिली, प्लस पूरी स्टोरी कैसी है। तो अगर पहले कहानी से ही स्टार्ट कर ले, तो इस वीडियो में ज्यादा टाइम नहीं लेना है मुझे, तो डायरेक्ट बोलता हूँ कि हाँ, कहानी यार अच्छी लगी मुझे, पसंद आई, मजा आया देख के। और जिस तरीके से उसका पूरा अपने आप को प्रेजेंटेशन था उसका, वो अच्छा लगा मेरे को, पसंद आया। जिस तरीके से हर कैरेक्टर के अंदर कुछ छुपा हुआ था और वो रिवील होता है, वो इम्प्रेस करेगा। साथ में अगर बात करें इसके स्क्रीन प्ले के बारे में, पूरे सीरीज में आपको यार 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं, और लगभग 8 के 8 आपको इम्प्रेस करने वाले हैं। थोड़ा बहुत लेंथी होता है बीच में आके, पर इतना नहीं था, काम चल जाएगा। जो एपिसोड और ट्विस्ट थे वो भी यार काफी जगह काम करके गए और सरप्राइज किया उन्होंने, प्लस पूरा प्रोडक्शन वैल्यू भी काफी अच्छा था। अगर बात कर ले इसमें बैकग्राउंड स्कोर के बारे में, तो वो भी काफी हद तक बढ़िया लगा मेरे को। प्लस अगर बात करें अब एक्टिंग के बारे में, तो सीरीज में भी जो काम देखने को मिला है माधुरी दीक्षित की तरफ से, बाकी संजय कपूर की तरफ से, या इन सब भी एक्टर देखने मिलते हैं उन सबकी तरफ से, सबका काम यार अच्छा रहा है। तो अगर ओवरऑल बात करना हो सीरीज के बारे में, तो सीरीज ने यार इम्प्रेस किया, मजा आया देख के। और एक शब्द में, चाहो तो जाके देख सकते हो अगर आपको इस टाइप की सीरीज देखना पसंद है, तो जिसमें सस्पेंस और थ्रिल अच्छा हो और एक फैमिली ड्रामा भी हो। तो फिर जाओ देखो, एंजॉय करो, मिलता है आपसे अगले वीडियो में। तब तक अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल पर नया तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लो। हमें वैसे यार इस टाइप की वीडियो देते नहीं है, पर अब बहुत टाइम हो गया है, मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने को, तो ऐसे वीडियो बना डाली है।